अच्छा दोस्तों, बैंक के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए जॉब नहीं करना चाहते कि उनको एक टारगेट दे दिया जाता है और उस टारगेट को अचीव करने में या पूरा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि टारगेट को अचीव कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, टारगेट मिलता क्यों है, टारगेट के अंदर चीज़ें कौन सी मिल रही होती हैं और हमसे एक्चुअली टारगेट कंप्लीट होता क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी बैंक में जॉब लेने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल का, खरीद सकते हो, सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर एक की कि टारगेट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्यारे नमूने और भी हैं हमारे देश में जिनको ये नहीं पता कि हमें एक टारगेट मिलता है जब हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई इंटरनेशनल कंपनी हो या फिर कोई नेशनल भी कंपनी हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये चीज़ सुनने के लिए अवश्य मिलेगी एक कंपनी के अंदर कि आपको इस महीने इतनी चीज़ें सेल करनी हैं, और आप कैसे करोगे, आपको नॉलेज उस चीज़ की है या नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि टारगेट क्या है। देखिए, टारगेट को ऐसे कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन तो है नहीं। तो आपको क्या टारगेट मिल सकता है कि आपको इस महीने के अंदर सिर्फ 100 अकाउंट ओपन करने हैं, चाहे वो सेविंग हो या फिर वो करंट हो या फिर वो जितने भी तरीके के अकाउंट होते हैं, आई डोंट मैटर, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब जो ये टारगेट मुझे मिला है, ये मैं अचीव कैसे करूँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टारगेट किसे कह रहे हैं। एक नंबर आपको मिलता है, उसको आपको अचीव करना, उतने काम आपको कंपनी को करके देना। अगर आपने गलती से उस काम से ज़्यादा करके दे दिया तो फिर तैयार हो जाइए, अगले महीने आपको थोड़ा ज़्यादा काम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपका एक फ़ायदा भी है, अगर आप कोई टारगेट बेस्ड जॉब कर दो तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव देखने के लिए मिल जाता है, बोनसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपकी सैलरी 17,000 से लेकर 27,000 तक आराम से चली जाती है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि टारगेट किसे कहते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट हमारे पास है कि हमसे टारगेट कंप्लीट होता क्यों नहीं है। तो ये आपके साथ समस्या नहीं है एक्चुअली, हर किसी के साथ समस्या है। देखिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर कोई भी ऐसा काम है जो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, उसको पॉसिबल बनाने के पीछे आपका ही हाथ होता है। एक्चुअली आप जिस ग्राहक को कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो, मान लो आप किसी कस्टमर का एक सेविंग अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो उस कस्टमर को आप सिर्फ एक सेविंग अकाउंट खोल के मत दो। उस कस्टमर से ये आप कोशिश करो कि इसका सेविंग अकाउंट खुले या ना खुले, कम से कम एक तगड़ा रिलेशन बन जाए, भाईचारा वहाँ पे आपका बिल्ड हो जाना चाहिए। प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ कि भाईचारा एक सेक्टर चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आपकी एक रिलेशनशिप वहाँ पर इतनी तगड़ी हो जानी चाहिए कि अगर बैंक से रिलेटेड कोई काम आता है उस बंदे को, तो वो आपको ही कॉल करे कि जुनैद भाई, मेरा ये काम था, मैं कौन से बैंक में करूँ या मैं किस तरीके से करूँ या फिर क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हमारा चाहे कोई सिंगल ग्राहक हो या फिर दूसरा ग्राहक हो या फिर तीसरा कस्टमर हो, चाहे वो 1,00,000 नंबर पार होने के बाद जो नंबर आ रहा है वो कस्टमर हो, रिलेशन आपका सबसे तगड़े होने चाहिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, किसी को कोई चीज़ बेचने के लिए आपको उसके साथ एक लॉयल रिलेशन बनाना पड़ता है। जैसे मैं अपनी यहाँ पर कम्युनिकेशन की बुक सेल करता हूँ, तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मेरी जो कम्युनिकेशन है, जो मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे जो मैंने रिलेशन बनाया हुआ है, उसके बेस पर आप मेरी किताब खरीद पाते हो। नहीं तो किताबें मैं शुरू से नहीं बेच सकता था क्या? नहीं ना। लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद, एक अच्छे रिलेशन बिल्ड होने के बाद ही आप मुझसे चीज़ें खरीद पाते हो। तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम होती है लोगों की, एक बार आपकी पॉलिसी बिक गई, बंदे का काम खत्म हो गया, ठीक है। मैं आज भी इस वाले मेथड को फॉलो करता हूँ कि मुझसे अगर किसी ने किताब खरीदनी है, रिज्यूम बनवाना है, मैं चाहता हूँ यार हटाओ, काम नहीं बढ़िया। अब इससे पैसे भी आ गए और इस बंदे को मैंने रिज्यूम भी डिलीवर कर दिया, ये बंदा मेरे से हैप्पी भी है। अब मैं इसका नंबर नहीं रखने वाला हूँ, मैं नंबर डिलीट कर देता हूँ। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी। अगर हमसे किसी एक बंदे ने कोई एक छोटी सी स्कीम के बारे में पता किया है, खरीदा नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली है, आप उसको डाटाबेस में सेव करके रखिए, पता नहीं आपका वो कस्टमर कहाँ आपको काम आ जाए, ठीक है। तो मैं आज से ही एक कम्प्लीटली एक्सेल बनाने वाला हूँ, अपने सारे रिज्यूम बनवाने वाले बच्चों का, प्लस जिनको हमने किताबें बेची हैं उसका तो डाटा ऑलरेडी सेव है। तो ये एक बात है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी इंडिविजुअल बंदे को या फिर पार्टिकुलर बंदे को आपको सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचनी है, अपना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। जब आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लोगे ना,
तो आपको अपना टारगेट अचीव करने में दिक्कत आएगी ही नहीं। पता है क्यों नहीं आएगी दिक्कत? क्योंकि उस बंदे का रिलेशन आपसे बहुत अच्छा है। वो और लोगों को भी सजेस्ट करेगा कि सर आप इनसे चीजें खरीदिए, इनसे अकाउंट खोलिए, या फिर इनके बैंक में अकाउंट खोलिए, यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये बात। तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचनी, सिर्फ सेविंग अकाउंट नहीं खोलने, या सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं बेचना, वहाँ पे एक अच्छा रिलेशन बनाना है। रिलेशनशिप जो है वो बहुत तगड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी बढ़िया रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कस्टमर और दुकानदार के बीच की रिलेशनशिप भी हो सकती है, अगर आपकी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म जाने वाली है। अगर आपने फ्रॉड किया है, चूना लगाने की कोशिश आप कर रहे हो, तो नहीं टिक पाएगी ना। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को आप बिल्ड कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन के बेस पे। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके मुंह से लगना चाहिए कि हाँ आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हो। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ फ़ायदे की बात होनी ज़रूरी है। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, किसी से जब आप बात करो तो आपके अंदर ईगो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आप उसके सामने लॉयल हों, ओरिजिनल हों। अगर आपके पास ईगो है तो उसको घर पे रख के जाइए, क्लाइंट से मिलते वक्त तो नहीं यूज़ करना। ईगो आदमी के अंदर होता है, 100% होता है, तो उस ईगो को क्लाइंट के सामने यूज़ नहीं करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टारगेट हमसे अचीव क्यों नहीं हो रहा होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक मैंने आपको क्लियर शब्दों में समझाया है, बड़े ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। रिलेशन बनाना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, डायरेक्टली मैंने नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पर मैसेजेस भी करते हैं, भैया हमारी जॉब लगवा दो। ना ही रिलेशन बनाना है, ना ही कुछ देना है, ना ही कुछ लेना है, सिर्फ जॉब लगवा दो। तो इतना दिमाग किसी के अंदर फालतू है नहीं जो आपसे वो बात करेगा या फिर एक्सेट्रा चीज़ें करे। तो किसी से भी रिलेशन बनाओ, अपना अपना मत देखो फ़ायदा कि मुझे जॉब मिल जाएगी और इसको मेरे को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसे तो जॉब कोई दिलवाता नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं वैसे, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप समझने की ये कोशिश करो कि जब तक आप बंदे से बात करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा दिखाने की कोशिश करोगे, तभी तो वो आपसे रिलेशन बनाएगा। नहीं तो वो आपसे रिलेशन क्यों बनाएगा? वो अपनी दोस्ती में खुश है। ठीक है, तो कभी भी रिलेशन बनाने से पहले आपको वहाँ पर खर्चा करनी चाहिए। खर्चा मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लाइंट के साथ करो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, अगर आपको अच्छे रिलेशन चाहिए तो खर्चा लगेगा, एक्सपेंस होंगे। तो एक्सपेंस करना ज़रूरी है। और हाँ, एक खिलाने पिलाने का ही खर्चा होगा, ऐसे आप शॉपिंग नहीं करवा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है कि अगर हमने टारगेट को कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। बड़ा ही घबरा जाने वाला ये पॉइंट है, पर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपकी जॉब नहीं जा रही है, प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहिए। मैं आपकी जॉब नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, आज की डेट में 2022 चल रहा है, आज की डेट में जॉब को लेके बहुत तगड़ी मारामारी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर है, बहुत तगड़ी मारामारी है दोनों ही फील्ड में। जितनी ज़रूरत जॉब की आपको है, मैं अब प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, जितनी ज़रूरत आपको जॉब की है उतनी ही ज़रूरत एक कंपनी के मालिक को एक एम्प्लॉय की है। क्यों? क्योंकि उसे भी अपना काम करवाना है। एक मालिक सिर्फ काम नहीं कर सकता, टीम तो सबको लगती है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि हाँ हमें जॉब की ज़रूरत है, तो आपके अंदर स्किल होना ज़रूरी है। कौन कौन सी स्किल आपको आनी चाहिए मैं आपको बता दूँ। अगर आपको बैंक में जॉब चाहिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया था कम्युनिकेशन स्किल आप हमसे खरीद सकते हैं, हमने बुक बना के दी है इस चीज़ की, लेकिन मैं बता दूँ इसका यूज़ क्या है। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है रिलेशन बनाने में। आप इसके बेस पे ही रिलेशन बना पाओगे। जब आप बात करोगे किसी से, आपको बोलना आएगा, तो ही आप बात कर पाओगे, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा हो, या फिर आपकी कंपनी का बॉस हो, कोई भी हो उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, आपको अगर बोलना आता है तो आप बोल पाओगे ना, बोल सकते हो किसी के भी सामने। तो सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, इसको आप सीखिएगा, हमारा कोर्स लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, खरीद लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक के डिग्री कॉलेज में भी आपको ईमेल बनाना नहीं सिखाया होगा, 100%। ये इंडिया का रूल है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं सिखाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, सिर्फ रट्टा रटाई करा देते हैं और इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा होता है। बहुत सारे लोग उनका यूज़ भी दिखा देते हैं कि हमने यूज़ करना है, हम एमटेक इंजीनियर हैं तो हम A+B का होल स्क्वायर भी पढ़ लेंगे, हमारा यूज़ लगेगा। ठीक है, मान लिया लगता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, क्या है, आई डोंट नो, बट है ज़रूर। तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी तो सिखाओ जिससे एक बंदे का रोज़गार चले। बेसिक चीज़ें तो सिखाओ,
मैंने जब तक ग्रेजुएशन की थी मुझे कॉलेज में स्कूल में बेसिक कंप्यूटर भी नहीं सिखाया गया था, जिसके अंदर आपका पीपीटी जो होती है सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी मेरे को नहीं आती थी, एक्सेल में नॉर्मल सी शीट बनानी मेरे को नहीं आ रही होती थी, यहाँ तक कि एक बेसिक सा लेटर अगर मुझे लिखना पड़ जाए अंग्रेजी की लैंग्वेज में या फिर हिंदी में तो मुझे टाइपिंग करनी तक नहीं आ रही थी, और वो लेटर कहाँ लिखते मुझे ये भी नहीं पता था। तो बहुत तगड़ा एजुकेशन में तो घोटाला होया हुआ चल ही रहा है। तो सजेशन ये रहेगा कि आपको सीखना है सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में भी क्या चीज़ें सीखनी है थोड़ा सा आज समझ लो, मूड में हूँ बता रहा हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो है आपका एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक से सीख लो, धीरे धीरे आप वहाँ पर मास्टर हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी है पीपीटी। प्रेजेंटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी प्रोजेक्ट होगा आप कहाँ पर शो करोगे, कहाँ पर दिखाओगे? पीपीटी में दिखाओगे, तो पीपीटी यहाँ पर आना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है आपका वर्ड। वर्ड के अंदर आप करेंगे लेटर राइटिंग, जो कि सबसे ज़रूरी है किसी भी बैंक में जॉब करने के लिए। मान लो आपसे कोई गलती हो गई या आपको कोई चीज़ भेजनी है किसी को, तो आप कैसे भेजोगे? मेल पर भेजोगे तो वहाँ पर भी आपको लेटर लगेगा। वर्बली भेजोगे तो लेटर में लिख के ही दोगे, तो कम से कम इंग्लिश में लेटर लिखना आना ज़रूरी है। चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी है, ईमेल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की, यहाँ पर दोनों ही जगह मेल का बहुत तगड़ा इस्तेमाल है। ठीक है, ईमेल पे बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो बना हुआ होता है, और ईमेल जो है वो डिलीट भी नहीं होती ऑटोमेटिक। ठीक है, करते हैं तो हो जाती है, नहीं तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ रहता है। और एक एम्प्लॉय की ईमेल जो है ना वो भरती भी नहीं है, 15 GB का डाटा मिला हुआ होता है, भरती नहीं है। ठीक है, जो आपका मैनेजर है जिसे बार बार सीसी में रखा जा रहा है, सीसी में रखा जा रहा है, उसका ईमेल बॉक्स फुल हो सकता है लेकिन बाकी का नहीं होता है। तो ईमेल यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है। ईमेल आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, है ना। तो जो चीज़ें जहाँ से सीखने को मिल रही हैं सीख लो, सीखना ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको सीखना आज की डेट में बेसिक है, और इन चीज़ों के थ्रू आपको जॉब नहीं मिलेगी कभी। आप सोचने लग जाओगे यार ये चीज़ें सीख ली फिर जॉब मिल जाएगी, नहीं 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 नहीं, ये तो बेसिक हैं, ये तो आनी चाहिए। इसमें तो आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट रहेगा अगर आपको ये चीज़ आती हैं। अच्छा, तो बात एक्चुअली हमारी ये चल रही थी कि अगर टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या होगा, तो पॉइंट से भटक गए थे, कोई बात नहीं, पॉइंट पर वापस आ जाते हैं कि हाँ अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। बता दिया मैंने आपको कि आपकी जॉब नहीं जाएगी कुछ दिन तक, 2 से 3 महीने आपको ऐसे नोटिस पीरियड में डाल देंगे कि इस पर ध्यान रखो, ये करता क्या है कंपनी के अंदर, इसकी अचीवमेंट क्यों नहीं दिख रही है हमें, अचीवमेंट आ क्यों नहीं रही है, इसकी आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगर आपसे आपकी मीटिंग के अंदर एक बार भी कुछ पूछ लिया और आपने नहीं बताया, ठीक है, तो फिर आपकी क्लास लगनी शुरू हो जाएगी, आपका जो है वहाँ से कंपनी भगाएगी तो नहीं, जाहिर सी बात है ट्रस्टेबल बंदे मिलते नहीं हैं, तो भगाएगी तो आपको कंपनी नहीं, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है उसको शिफ्ट कर देगी, कहीं ना कहीं लोएस्ट कैटेगरी में आपको डाल देगी। ठीक है, तो ये बात है, तो अवेयर रहिए इस चीज़ से, नौकरी नहीं जाएगी आपकी। अच्छा, ये भी एक पार्ट है, डार्क ऑफ साइड है बहुत सी कंपनी की, कि कंपनी डायरेक्टली भगा भी देती है अगर आपने ज़्यादा मूड भी ख़राब कर दिया कंपनी का, और उन्हें लगता है कि बिल्कुल ही वेस्टेड बंदा है, आता कुछ है ही नहीं, सिर्फ ईगो है, तो फिर कंपनी आपको कहेगी भैया जाओ आप। अब इसके बाद मेरा जो मेजर पॉइंट है कि अपने हम टारगेट को अचीव कर कैसे सकते हैं, ये आपको समझना सबसे ज़रूरी है। देखिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें लगती हैं, वो कौन सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है, जब रिलेशन बनाओगे आपका टारगेट ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग आपको करनी है, कम्युनिकेट करना आपको तगड़े तरीके से आना चाहिए। तीसरी चीज़ है तगड़ा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे रीटेक लिए हैं, लेकिन हाँ इतने ज़्यादा नहीं लिए, मैं डायरेक्टली बोल पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, मैं क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, और जो चीज़ें मैंने समझानी थी कहीं ना कहीं थोड़ी देर पढ़ ली बैठ के कि मैं आज इन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, तो मुझे हेजिटेशन नहीं है, घबराहट नहीं है इन टॉपिक्स पे बात करते हुए। ठीक है, गर्मी लग रही है वो एक अलग बात है, खैर। तो गाइस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप बुक का सहारा ले सकते हैं, एंड जिन चीज़ों में आप जाने वाले हैं उनकी रिसर्च कर सकते हैं, नॉलेज कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, साथ ही साथ फैक्ट पे बात करना सीखें। विदाउट फैक्ट अगर आप बात करते हैं, अराउंड सराउंड लगा के बात करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर लो दिखेगा सामने वाली पार्टी को। तो कोशिश ये करो कि अगर कोई भी आपसे फिगर में बात हो रही है तो एग्जैक्ट फिगर आपको मालूम हो, या फिर मना कर दो डायरेक्ट, मुझे नहीं आता। अगर पता है तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और कोशिश ये रहे कि हाँ एग्जैक्ट चीज़ों की आपको नॉलेज हो, और ये कहाँ से होगी, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार टारगेट तो अचीव नहीं हो रहा, अब क्या करें, तो कोशिश ये करें कुछ ना कुछ
नई स्किल सीखते रहें, एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। मान लो आपकी अंग्रेज़ी में बहुत हाथ वीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है बहुत अच्छे से, तो इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, डेली 1 से 2 सेंटेंस सीखें, लेकिन ज़रूर सीखें। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपके अंदर एक ख़ास स्किल पैदा होने वाली है, जिसके बेस पे आप उस कंपनी के अंदर टिक पाओगे। मान लो आपने घुमा फिरा के 3 महीने के अंदर एक तगड़ी स्किल सीख ली, जिसे हम कह सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पर बिठा के रखें, दूसरे सेक्टर में डाल देंगे जहाँ पर आपको कॉल पर बात करनी है और आप अंग्रेज़ी में बात कर पाओगे। उससे ये होगा कि जो हमारे अलग के क्लाइंट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर डेली सीखने की कोशिश करनी है। और हाँ, एक ही फील्ड में सीखने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि आज अकाउंटिंग में जा रहा हूँ कल को इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी, तो इससे ना आपकी अकाउंटिंग पूरी होगी और ना ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, कि क्या वाकई में ही हमारी जॉब छूट जाएगी अगर हमने अपना टारगेट को अचीव नहीं किया। तो इसका वैसे मैंने जवाब दे दिया है कि नहीं छूटेगी। और हाँ, ये मैटर करता है आपके वर्क के ऊपर, आपके वर्क की क्वालिटी के ऊपर, कि आप कितना ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, कितना अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं और किन तरीकों से कर रहे हो। तो ये कोशिश आपको हरदम करनी है कि अपने काम को 100% करना है। कंपनी आपको अगर 50,000 रुपये तनख्वाह दे रही है तो कंपनी को आपको 70,000 रुपये का काम करके देना है। ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। और कोई भी कंपनी आपको जॉब से नहीं निकालेगी, आपका भले से फील्ड चेंज कर देगी, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लगे हुए हैं और मैनेजर को लग रहा है ये काम ही नहीं कर रहा कुछ, तो आपको मार्केटिंग में डाल देगी। और फिर लगेगा कि मार्केटिंग भी इससे नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको होम गार्ड लगा देगी, गार्ड लगा देगी कंपनी की, लेकिन भगाएगी नहीं। मेरा नाम जुनैद है, इस वाले वीडियो में बहुत जानकारी दे दी, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू 0.1% इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के पीछे। साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो नहीं किया कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप 2 चीज़ें कर सकते हो, मुझसे रिज्यूम बनवा सकते हो एक प्रोफेशनल, दूसरा मेरी किताब खरीद सकते हो जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।